आज मुशरिफ साहब ने जो तकरीर की है, मुझे लगता है कि जो थर्ड आए उन्होंने लोगों की खोली है, क्योंकि इसलिए मैंने ये किताब लिखी है। और थर्ड आए का मतलब इतना ही है कि हम दो आँख से देखते हैं, लेकिन जो पीछे चलता है उसको पर हम नहीं देखते, नहीं समझते, और इसलिए दहशतगर्दी जो बोलते हैं ये चलती है। और दहशतगर्दी करने वाले सबसे खतरनाक लोग अगर इस दुनिया में कोई है तो हमारे राजनीतिक नेता लोग हैं, दूसरे कोई नहीं। दे आर द रियल टेररिस्ट। और इसलिए मैं दो तीन मसले को आपके सामने, जो अभी मुशरिफ साहब ने कहा, क्योंकि एक चीज़ आप जान के रखिए, क्योंकि 26 नवंबर को करकरे कामते सालसकर की हत्या हुई और 27 नवंबर को टेलीविजन में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि ये हत्या जानबूझ के की गई है, मालेगांव बम ब्लास्ट को जो तहकीकात चल रही थी उसको छुपाने के लिए ये हत्या हुई है और इसका इन्वेस्टिगेशन होना है 27 नवंबर को। वहां आप बोलेंगे मैंने कैसे मांग की, क्योंकि एक तो पहले चीज करकरे को मैं अच्छी तरह से जानता था और उसके साथ मेरा बहुत सालों से ताल्लुक था और हमारी बातचीत चलती रहती थी। और ये दहशतगर्दी क्या है, ये रियल फेस ऑफ टेररिज्म क्या है, मुझे लगता है मुझे काफ़ी हद तक पता है, क्योंकि मैं दहशतगर्दी के खिलाफ ही लड़ा हूँ, मेरा काम ही जिंदगी का वही रहा है और उसके बारे में भी आपको मैं जानकारी देने वाला हूँ। और इसलिए पहला चीज आता है हिंदू। ये हिंदू लफ्ज जो है बहुत खतरनाक लफ्ज है, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग जैसे लोगों को प्रॉब्लम होता है फिर, और मुसलमानों को खास तरह से मैं इसके आगे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये हिंदू टेररिज्म या मुस्लिम टेररिज्म ये लफ्ज इस्तेमाल करना छोड़ दें, क्योंकि हम हिंदुस्तान भी नहीं कहते, हम भारत कहते हैं इसको। इसकी वजह है क्योंकि ये हजारों साल चला हुआ संघर्ष है, ये आज का नहीं है। गौतम बुद्ध ने ब्राह्मणवाद इस देश से खत्म करके बुद्धिज्म लाया, सम्राट अशोक ने तलवार के जोर पर इस देश को एक किया, और मजहब हो या सियासत हो इसमें एक समाज निर्माण किया। इसलिए हमारा जो अशोक स्तंभ है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने रखा है, हमारे देश की निशानी भारत है, वो हिंदुइज्म की नहीं है, तो वो सम्राट अशोक का एक संघ भारत किया है, एक कौम भारत की, और हमारा डायरेक्शन वो है, ये ध्यान के रखिए। और इसलिए इस्लाम भारत में आने से पहले ही ये संघर्ष है। मैंने केज में परसों एक तकरीर की, नारी के सम्मान में हमारा एक प्रोग्राम था, तो मैंने उधर यही कहा कि हिंदुइज्म में जो बात चली है रामायण जो है कितना खतरनाक है, क्योंकि वो रामायण और रावण, सीता को उठा के ले गया रावण, कितने साल बहुत साल वो उसके पास रही, लेकिन उसका कैरेक्टर कितना अच्छा था देखो कि रावण ने हाथ भी नहीं लगाया सीता, क्योंकि वो मूल निवासी था। नंबर दो, मैंने बोला राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम राज्य बोलते हैं, और अपने जो गर्भवती माते मतलब सीता माता बोलते, ऐसे सीता माता को उन्होंने वनवास में भेजा जब पेट में बच्चे थे, और वहाँ शोकाकुल सीता ने बोला ये धरती माता मुझे तू ले ले अंदर अपने गोद में ले ले, मैं ये जिंदगी नहीं जी सकती, इससे बड़ी यातना मनुवाद की और क्या हो सकते, ये मनुस्मृति की खास करके एक कल्चरल संस्कृति को हम जाके मंदिर बनाने जा रहे हैं, और वहां पर इसलिए आप मैं क्यों ये बात कह रहा हूं कि ये जो मनुस्मृति है इसमें जो भी बताया गया है उसको नारी को बहुत हीन दर्जा दिया है। महाभारत में कुरुवंश खत्म हो गया, अभी मैं कहानी पूरी नहीं बताता हूं आपको, लेकिन कुरुवंश खत्म हुआ तो तीन रानी को नग्न अवस्था में एक ब्राह्मण के पास भेजा गया ताकि कुरुवंश आगे चले गए, वो शर्म से वो तीन नारी गए, मतलब मैं बता रहा हूं आपको इसमें सबसे शूद्र अगर किसी को
ये संस्कृति जो बोलते हैं, कौन सा धर्म है मैं बोल नहीं सकता हूँ, खेड़ेकर साहब ज़्यादा बोलेंगे इसके बारे में, उनको बुला लीजिए। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो कल्चर है इस देश का, ये हस्बैंड मरने का, नारी को जलाना, और इसके खिलाफ जो संघर्ष हुआ है देश में, इसको मुसलमानों ने पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। और इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज का इस्तेमाल तो इन्होंने किया, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज को जब राजा बनने का वक्त आया तो सभी ब्राह्मणों ने महाराष्ट्र का कहा कि ये राजा नहीं बन सकता है, क्योंकि इस देश में सिर्फ दो जाति है, एक ब्राह्मण है, दूसरा शूद्र है, और शिवाजी महाराज शूद्र है, इसलिए राजा नहीं बन सकता। यह आपको पता नहीं होगा। नंबर दो, जो अफजल खान को मारने का वक्त आया, अफजल खान से तो मुठभेड़ होगी, शिवाजी महाराज ने उसको मारा नहीं, उसको पेट में से काटा था, दूसरे ने उसकी गर्दन काटी। लेकिन जब अफजल खान के वक्त जब लड़ाई हुई तो शिवाजी महाराज पर तलवार लेके आया कौन, तो कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी, एक ब्राह्मण हथियार लेके आया और शिवाजी महाराज पर वार किया, उसको सर पर जख्म हुई, छत्रपति शिवाजी महाराज। तो शिवाजी महाराज को जो बोलते हैं गो ब्राह्मण प्रतिपालक, ये शिवसेना वाले बोलते हैं गो ब्राह्मण प्रतिपालक, तो वो शिवाजी महाराज ने क्या किया है, बोला तू ब्राह्मण है तेरा मुलायजा मैं नहीं करूंगा, उसकी गर्दन छाट दी और मनुवाद को गाड़ दिया शिवाजी महाराज। और इसलिए शिवाजी महाराज को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये महाराष्ट्र का राज किसके हाथ में था, तो निजाम सही में था, अहमदनगर में सियासत अपने हाथ में थी। जो महाराष्ट्र आज कहलाता है, जो आप और हम है, आवाम है, वो उस राज्य के अंदर काम कर रहे थे। शाहजी महाराज औरंगाबाद के, जिजामाता जहाँ ये बुल्ढाना के नजदीक है, ये किसके सिपे सालार थे शाहजी महाराज, तो निजाम सही के शाहजी महाराज सिपे सालार थे। तो निजाम को एक बच्चे को गोद में लेके जंग किया मुगलों के साथ, ये हमको भूलना नहीं चाहिए। वो तो ज्योग्राफिकल एक राज था, भामिनी किंगडम टूटने के बाद एक राज था, और शाहजी महाराज शिवाजी महाराज के वालिद वो निजाम शाही के सिपे सालार थे। और इसलिए जब मुगलों के साथ जंग हार गए तो वो पूरी सेना निजाम की शाहजी महाराज के साथ गई, आधी सेना उन्होंने शिवाजी महाराज के साथ पूना में रखी, और आधी सेना बीजापुर के लिए वो बेंगलोर में लेके गए। इसलिए शिवाजी महाराज का फौज का पहला सिपे सालार जो था वो नूर खान बेग था, वो मुसलमान था, ये बात छुपाई गई है। आर्टिलरी का तोपची का कमांडर कौन था शिवराज्य का, तो दौलत खान था। नेवी का कमांडर कौन था, दरिया सारंग था, और तकरीबन 90% शिवाजी महाराज की नेवी मुसलमान थी। शिवाजी महाराज के गुरु बाबा याकूत मुसलमान थे, जिनको 500 एकड़ जमीन उन्होंने दी, और सरकारी खर्चे से मस्जिद बांधने वाले शिवाजी महाराज थे, तो मुसलमान के दुश्मन कैसे हो सकते हैं, मतलब ये बेसिक लॉजिक को नहीं पाता। लेकिन ये शिवसेना ने, और अभी एक नया पिल्लू आया है, उसको क्या पता है मुझे पता नहीं है, वो बोलता है कि संभाजी ब्रिगेड बोलता है राष्ट्रवादी का है, संभाजी ब्रिगेड वो पिल्लू का करदन काल है, और थोड़े एक दो साल में आपको दिखेगा ये संघर्ष जो होगा महाराष्ट्र में, ये ब्राह्मणवाद और बहुजनवाद का संघर्ष होने वाला है। क्योंकि बेसिकली बात ये है, जो दादू कोंडदेव को इतिहास में लिखा, दादू कोंडदेव गुरु है शिवाजी महाराज का, तो वो कारकुन था, हाथ उसका कलम किया था आदिलशाह ने, वो चोर था। इसलिए जो संघर्ष पूना में हुआ दादू कोंडदेव का स्टैचू निकाल के, वो संघर्ष हम लोग ने 4 साल से कर रहे हैं। 24 अक्टूबर को पूना में एक बड़ी रैली हुई, उसके पहले 22 अक्टूबर को एक बड़ा सम्मेलन हुआ शिवाजी मंदिर में, उधर मुशरिफ साहब मैं और वामन मेश्राम थे, अब भारी तादाद में लोग आए थे उधर, और ज्यादा मुस्लिम काफी आए थे, और 24 अक्टूबर को 1 लाख लोग पूना में एक बड़ा जलसा हुआ, जिसका उद्घाटन मैंने किया, वो संभाजी ब्रिगेड और वामन मेश्राम ने किया था, और उनको नोटिस दी थी गवर्नमेंट को 31 अक्टूबर के पहले दादू कोंडदेव को निकाल दो, नहीं तो इस देश महाराष्ट्र में हम लोग आग लगाएंगे।
22 दिसंबर को मैं और खेड़ेकर साहब गए चीफ मिनिस्टर के पास। मैं चीफ मिनिस्टर को नहीं बुला, खेड़ेकर साहब ने जाके बोला कि 31 दिसंबर के पहले ये पुतला निकालो, नहीं तो इस महाराष्ट्र में आग लगाने का काम हम करेंगे, हम पुतला निकालेंगे। अजीत पवार को मिले, इसलिए यह संघर्ष जो था उस संघर्ष के तहत जो एक बहादुर सिपाही मेयर है पुणे का, सरदार जी है, इसलिए उसने ये काम किया। दूसरा मराठा होता था कि करता था कि नहीं मुझे पता नहीं। सरदार ने ऑर्डर कर दिया निकालो, खेड़ेकर साहब बोले ये रात में नहीं निकालेंगे तो कल स्टे मिलेंगे। तो रातों रात हमारे बच्चों ने, संभाजी ब्रिगेड ने उनका पैर काट के दादू कोंडदेव को हमने उधर से हकाल दिया। और ये पहले बार ये ब्राह्मणवाद को झटका लगा, ये ध्यान में रखो। और इसलिए इसके पीछे क्या पॉलिटिक्स है, इसे पीछे क्या सियासत है, मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मैं आपको सेकेंड हैंड पढ़ के कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। मैं खुद हथियार लेके दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ा हूं, मैं खुद जिहाद क्या है मैंने देखा है। जिहाद किसने किया अफगानिस्तान में? अमेरिकन CIA ने उसको निर्माण किया। इस्लामिक टेररिज्म किसने निर्माण किया? लफ्ज ये अमेरिकन CIA ने ये टेररिज्म लफ्ज निर्माण किया है। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी कहते थे हमको ये हमारा दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, चीन नहीं, हमारा दुश्मन को है तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। ये मैं जानता हूं एक फौजी के नाते, और हम लोग जंग किए हैं CIA के साथ। खुद साहब कश्मीर में सेपरेट कश्मीर किसको चाहिए, आवाम को कितना चाहिए, मुझे अच्छी तरह से बताओ, क्योंकि मैं 10 साल में कश्मीर में रहा हूं। लेकिन सबसे पहले आजाद कश्मीर किसको चाहिए, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को चाहिए, ताकि वह उधर उधर बैठ के चाइना, इंडिया और रशिया पर काबू कर सके। इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा शैतान अमेरिका है, और उस शैतान की मूल ताकत जियानिज्म है। ये परसों में गाजा से आने के बाद अचानक एक फोन आया न्यू जर्सी से, उन्होंने मुझे बोला कि आप ब्रिगेडियर सावंत है क्या? मैं बोला हाँ। वो बोले आप गाजा गए थे क्या? मैं बोला हाँ। तो वो बोला मैं मक्कड़ बोल रहा हूँ, मतलब वो मुस्लिम नहीं था, ये ध्यान में रखो। दो तीन बाकी मुसलमानों के तो काफ़ी फोन आए, मैं उनका नहीं बोल रहा हूँ, ये पंजाबी था मक्कड़। उसने बोला बहुत अच्छा आपने काम किया, कि मैं आपको बताता हूं ये जू लोग ने अमेरिका में इस समाज को खत्म कर दिया, तबाह कर दिया है। लोग आज इधर क्रिश्चियन बोलने के वो डरते हैं, उनके हाथ में पूरा इंडस्ट्री है, पूरा पैसा है, मल्टी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है। तो ये चीज को ध्यान में रखना चाहिए आप लोग। क्या अभी मुशरिफ साहब ने एक चीज बताई, आपने सुना कि कर्नल पुरोहित और उपाध्याय इन्होंने क्या किया, इसराइल के पास गए और उन्होंने बोला हमको मदद चाहिए, गवर्नमेंट इन एक्साइल हमको दो। नंबर दो उन्होंने बोला हमको हथियार दो, हमको मदद करो। तो मोसाद ने बोला कि हम आपको हथियार देंगे, आपको ट्रेनिंग देंगे। इसका मतलब क्या है कि इसराइल और मोसाद भारत के अंतर्गत मामलों में हस्तक्षेप कर रहे, दखलंदाज कर रहे। तो भारत के प्राइम मिनिस्टर को मैंने पूछा कि आप अगर ऐसा कर रहे हैं ये लोग इसराइल, तो आप उसको अभी तक रिकॉग्नाइज क्यों करते हैं, आप रिश्ता क्यों नहीं तोड़ते इसराइल के साथ? ये मैंने भारत के प्राइम मिनिस्टर को खत लिखा, मिलके बोला, सोनिया गांधी को बोला, राहुल गांधी को बोला, ये सब पता है इनको। मुशरिफ साहब इनको सब पता है क्या चल रहा है, ये IB क्या कर रही है। ये ऐसे मत समझो कि ये IB अपने दिमाग से करे, IB तो चोर है, मुझे पता है। ये भारत सरकार का पैसा लेके फॉरेन हॉलीडे में जाते हैं, अय्याशी करते हैं, दारू पीते हैं, ये है IB। मैं जानता हूं, मैं इंटेलिजेंस में 4 साल काम किया हूं, IB के साथ भी किया हूं, ऑपरेशन भी किया हूं, तो ये हमें पता है। लेकिन ये मनमोहन सिंह को भी पता है, ये सोनिया गांधी को भी पता है, ये अटल बिहारी वाजपेयी को भी पता है। लेकिन इनको IV ऐसे ही चाहिए, उनको बदलना नहीं है, उनको ब्राह्मणवाद से घिरा हुआ IV चाहिए। इसलिए ये गवर्नमेंट है, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, IV का डायरेक्टर मैं अपॉइंट करता हूं। परसों संधू को एक अपॉइंट किया उन्होंने, कैसा है मुझे पता नहीं।
लेकिन ये गवर्नमेंट की जवाबदारी है। तो हम आईबी को दोष देके हम चुप नहीं बैठ सकते। एक गवर्नमेंट का काम है कि आईबी को साफ करना, ठीक करना, और अगर नहीं करते तो जानबूझ के नहीं करते, ये मेरा कहना है। और इसलिए अगर इनको जानबूझ के नहीं करते तो क्या सजा देनी है आप लोगों को पता है, लेकिन आप लोग देते नहीं है, आपके वजह से उधर है। और इसलिए आईबीआईसी है, तो ये चीज आप ध्यान में रखो। इसलिए सीआईए जो है वो अजीब खेल करता है। एक साइड मोजाद इसराइल, इसराइल क्या है, अमेरिकन हथियार बेचने का एक एजेंट है। अमेरिकन हथियार कौन बनाता है, वो ज़ियोनिस्टिक लॉबी बनाती है, वो बोइंग हो कुछ भी हो। इसलिए दहशतगर्दी पूरे दुनिया में उनको चाहिए, उनको कहां अमन चाहिए। और दूसरी तरफ आईएसआई है, पाकिस्तान अफसरों के साथ मेरा बहुत ताल्लुक आया है। कब, आपके क्योंकि बॉर्डर में रहते थे, हम फायरिंग करते थे, एक दूसरे को मारते थे, फिर बोलते अरे फायरिंग बंद करना चाहिए। फ्लैग मीटिंग होता था, मुशरफ को भी मिला हूँ फ्लैग मीटिंग में। तो उधर आके क्या होता था, उधर आके ऑफिसर में क्या हो सकता है, आप सोच लो। तो यारुदस्ती होती, गप्पे होते थे। पाकिस्तान आर्मी इज नॉट पाकिस्तान आर्मी, इट इज अमेरिकन आर्मी, ये ध्यान में रखो। आईएसआई इज नॉट पाकिस्तान आईएसआई, इट इज सीआईए आईएसआई, ये ध्यान में रखो। ये रिलेशनशिप जो है वो अफगानिस्तान के 80 साल के दौरान में जब मैं इंटेलिजेंस में था तब वो रिलेशनशिप बनी है, वो आज तक कायम है। इसलिए पाकिस्तान कुछ भी करेगी तो अमेरिका उसको मदद करती है, कुछ दूसरा कर ही नहीं सकते, उनको चाहिए। फ्रंटलाइन स्टेट है अमेरिका के, 3 फ्रंटलाइन स्टेट है, एक है पाकिस्तान, दूसरा है इसराइल और तीसरा है साउथ अफ्रीका, और तीनों न्यूक्लियर पावर्स है, ये भी ध्यान रखो। न्यूक्लियर पावर बनाया किसने, अमेरिका ने बनाया, दूसरा कौन बनाएगा। सोवियत संघ को लड़ने के लिए बनाया, और इसलिए ये जो है इनका पार्टनर इस देश में कौन है, लेकिन वो ठीक है अमेरिका कुछ भी कर रहे, लेकिन इस देश में उनका पार्टनर कौन है सोचना चाहिए। कि छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम से जो चलते हैं, इतिहास में बोल सकता हूं लेकिन समय नहीं बोलूंगा, लेकिन यहां पेशवा आया, ब्राह्मणवाद लाया। और मैं एक आपको बताता हूं, पूरे ग्रीक जब से आए तब से आज तक जो अंग्रेज आए, जो भी आया, जिसने भी राज किया, ब्राह्मण ने उसका साथ दिया। वो क्या बोलते थे, राजसत्ता तुम्हारी, धर्म सत्ता हमारी। और खैरनार सावन तो फिर कांबड़े बिमड़े को ये लोग क्या करते थे, उधर शूद्र बोल के पानी पीना है तो ऐसे डालते थे और हम लोग ऐसे पानी पीते थे। ये इस भारत की संस्कृति है, और ये खतरनाक खेल आज जो चल रहा है इसके पीछे ये मनुवाद है। अंग्रेजों को साथ किसने दी, तो ये ब्राह्मणों ने दी। आजाद हुआ, डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान दिया तो ये मरे, अरे अभी क्या करेंगे, तो दूसरा बाप उन्होंने ढूंढा अमेरिका। राजसत्ता तुम्हारी, धर्म सत्ता हमारी, दोबारा शुरू इधर। उसका नाम है आरएसएस। आरएसएस ने अलायंस किया अमेरिकन सीआईए से, आरएसएस ने अलायंस किया इसराइल के मोसाद से, और जो भी दहशतगर्दी आपने मालेगांव ब्लास्ट ये सब देखा, क्या हुआ अजमेर ब्लास्ट, मालेगांव ब्लास्ट, मक्का मस्जिद, नांदेड़, जालना में विधान परिषद में जब नांदेड़ का ब्लास्ट में बोला ये आरएसएस ने किया है, आरएसएस को बैन करो, मैं पहला आदमी कहने वाला था। यही नहीं, सोनिया गांधी को जाके 4 बार मैंने निवेदन दिया है। एक कांग्रेस का एक सोनिया गांधी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है व्यक्तिगत रीत से, मुझे, मैं उनका सेक्रेटरी था 3 साल। ये शरद पवार को मैंने पार्टी से हकाला है, आपको ये भी बताता हूँ। मैंने उस दौरान में कांग्रेस आज जो है मेरे वजह से है, मैं बोलता हूँ, और कोई भी इसको चैलेंज करे कांग्रेस में जो आज ये टिकी है। तो ये इसका पीछे क्या है, ये पीछे यही है, ये 4 पार्टी दिखते हैं, 5 पार्टी, अभी एक नया पिल्लू पकड़ के 5 पार्टी। ये पांचों पार्टी का बाप कौन है, सब ब्राह्मण है, आरएसएस है, खरीद लिया है। ये पांचों पार्टी का बाप आरएसएस है, अंबानी है, टाटा है, बिरला है। अंबानी क्या कहता है, कांग्रेस तो अपनी दुकान है, बराबर,
कहा है ना स्टेटमेंट नहीं राडिया टेप्स में, राडिया कौन है अभी मैं नहीं जाता हूं, लेकिन उसने कहा, इसका मतलब मनमोहन सिंह वो दुकान का मैनेजर है और मिनिस्टर है, सब क्लर्क है, डिपार्टमेंटल हेड्स है और खासदार हमका हमदार इनके प्यून है। ये आज भारत के डेमोक्रेसी का हालत है। इसलिए मैंने सोनिया गांधी को यही बोला कि आप जो कर रहे हैं कि आप मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर मत बनाओ, 2004 में बोला। क्यों बोले प्राइम, इतना अच्छा आदमी? बोला बहुत अच्छा आदमी है और इसलिए खतरनाक है, ये अमेरिकन एजेंट है। सुनो आप, वर्ल्ड बैंक में जिसने काम किया उसका एजेंट आज हमारा प्राइम मिनिस्टर है, क्या हालत है। तो इसलिए पूरा ये सब सियासत का खेल जो है, अमेरिकन हुकूमत को साथ दिया ब्राह्मणवाद ने, और ब्राह्मणवाद और भांडवल से कैपिटलिज्म, इसका एक अलायंस इस भारत में जिसके तहत ये दहशतगर्दी है और मुसलमान टारगेट है, वो भी मैं बताऊंगा मुसलमान क्यों टारगेट है। क्योंकि अमेरिका ने क्या किया इस दुनिया में, अपना पूंजीवाद, अपना कंट्रोल रखने के लिए पैसा चाहिए। वो पैसा कैसे कंट्रोल में रखेंगे? अगर ये आवाम सीख गया, समझने लगा, मुसलमान समझने लगा कि कांग्रेस का बाप अमेरिका है तो उसको वोट नहीं देगा, लेकिन वो नहीं समझना चाहिए। इसलिए वो क्या किया, चार एस का पॉलिटिक्स अमेरिका ने किया है। क्या है चार एस, तो मैं बताता हूँ। ये गणेश चतुर्थी में आपने देखा होगा, ये शिव जयंती देखते होंगे, ये दुर्गा माते का कुछ देखते होंगे, ये सब मतलब भगवान के लिए है, लेकिन एक ही गाना चला ना, ये सब जयंती में एक ही गाना चलता है। कौन सा गाना? मैं झेंडू बाम बनी, वो पूरे बॉटल का नशा, अपने नौजवान सर पर बॉटल लेके नाचते हैं, ये है अमेरिकन फोरेस। पहला ऐसा सेक्स, पूरा स्त्री का नग्न अवस्था में जो इजाजत दी अमेरिका ने, प्रदर्शन किस लिए दी? कि अपने नौजवानों को सेक्स में बेधुंध कर देना, नशे में डालना। कार्ल मार्क्स बोला था अफीम, उस पर भी आता हूं। दूसरा है शराब। ये टाटा बिरला, ये जो जितने इंडस्ट्रियलिस्ट है, ये स्कॉच किसने लाया जब प्रोहिबिशन था? आज स्कॉच पीना मतलब एक बड़ा प्रेस्टीज पॉइंट हुआ है। हमारा हर नौजवान हमारा इधर बोलता है, इधर काम करता है पॉलिटिकल पार्टी में, इंदिरा गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, रात को कहां होता है तिरंगा झंडा लेके बार के बाहर। यह है हमारा दूसरा एस। तीसरा एस है सूद। आप में से कितने लोग कर्ज बाजारी है मेरे को बताओ, क्रेडिट कार्ड कितने इस्तेमाल करते हैं? मतलब अमेरिका ने पूरा सिस्टम ऐसा किया कि कल का पैसा आज, और पूरा आवाम को अपने कब्जे में रखा है। इसलिए जो जियानिज्म का सच बोलता है तो सूद की राजनीति, और इस्लाम ने सूद को कबूल नहीं किया है, बराबर है ना? 2 महीना पहला ये नरसिम्हा राव वो बोला सुधाकर नायक को निकालने के लिए, आपको पता है उस समय सुधाकर नायक पर पतंग कौन है, पदम सिंह पाटिल, ये सब लोग ने उसी फेंका था, आपको याद है क्या? पुराने लोग को पता है उसी फेंका, जलील किया था, तो पदम सिंह पाटिल ने मुझे मारने आया था, मैंने उसका हाथ पकड़ा था, मेरा जिस बाप के लिए तुम हाथ उठाए ना मेरे पर, वो बाप ही तेरे को खत्म करेगा। परसों क्या हुआ है देखा इसका, पदम सिंह पाटिल का। तो ये जो हुआ है कि थर्ड आई जो है, पीछे का क्या चल रहा है, ये हमको समझना चाहिए। ये टोटल जो इसराइल को रिकग्निशन की दिया, किसने दिया? और फिर पहला मिनिस्टर इसराइल में कौन गया भारत का, आपको याद है कौन गया पहला मिनिस्टर? बताओ, पहला मिनिस्टर वही इस महाराष्ट्र का 40 साल राज कर रहा है, इधर इलेक्ट्रिसिटी नहीं, शेतकरी मर रहे हैं, लोग इधर पूरा आदर्शवाद इस महाराष्ट्र में आया है, चोर लुटारू ये सब लोग, यही शरद पवार, ये गया था पहले इसराइल में गया था, किस लिए गया था? वही मनुवाद को कायम करने। तो इसलिए भाइयों एक चीज ध्यान में रखो, जितना आप जो भी देख रहे हैं, करकरे की हत्या हो या ये इकोनॉमिक पॉलिसीज हो, रिलायंस 4,000 करोड़ का बंगला बांध के कप परेड में कौन से जमीन में बांधा आपको पता है क्या? ये वर्क बोर्ड की जमीन है, 4,000 करोड़ का बंगला बांधता है,
ये 4 लाख लोग को इधर घर मिल सकता है। ये क्या है? ये इंटरेस्ट सूद, ये सूद का इकोनॉमिक पॉलिसी से ये लोग बड़े हो रहे हैं। दूसरा है 86 लाख रुपया इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, इसका शर्म नहीं आता है इसको। इधर लोड शेडिंग 18 घंटा पावर नहीं है गरीब किसान को। ये किसकी वजह से है? ये मनुवाद अमेरिकन कैपिटलिज्म, इसका ये नतीजा है। और सब पॉलिटिकल पार्टीज इनके नौकर है। इसलिए मुसलमानों, मेरे को आपको एक रिक्वेस्ट करना है, मैं कांग्रेस में काम किया है, बोलते मुसलमान चिल्लाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कांग्रेस वाले कहते हैं। आखिरी 2 दिन में जाने का मौलवी के पास, मौलाना के पास, इसके पास, लीडर के, बोलना अरे वो अगर कांग्रेस को वोट नहीं देगा तो बीजेपी शिवसेना आ जाएगी। अब 5 साल का गुस्सा एक दिन में खत्म होके दोबारा बटन उधर हाथ 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 और दोबारा ये लोग उधर जाते हैं। मैंने खुद देखा है, मैं उधर ही था। ये सियासत को आपको बंद करना पड़ेगा। तो इसलिए मेरा कहना है कि ये जो चल रहा है इस देश में, जो हेमंत करकरे का खून हुआ, मैंने उस समय बोला कि हेमंत करकरे का मर्डर क्यों हुआ है, मैंने उनको बोला कौन से रिवॉल्वर से मारा है। आज तक कोई ऑफिशियली मेरे को उसका रिपोर्ट मिला नहीं है, शायद मुशरफ साहब को मिला होगा। .38 से मारा है या किससे मारा है? मैंने बोला जितने भी लोग थे आतंकवादी, उनका बुलेट जो गोली है उसका आप लोग फोरेंसिक जांच करो। क्यों NSG वाले मुझे बोल रहे थे कि उधर काफी लोग और भी होना चाहिए, ऐसे ये 8 ही थे ऐसे नहीं लगता है। इसलिए ये सब मसला हम क्या बोल रहे हैं, जो मुशरफ साहब ने बोला और मैंने, कि इसका एक इंक्वायरी कमीशन करो कि जब भी कुछ होता है, मुझे बोलते प्रूफ दो, मैं बोला CBI मेरे अंडर दो, तुम सब लोग को जेल में डालता हूं। और ये बात जान में रहो, कांग्रेस है, NCP है, BJP है, शिवसेना है, ये अपना नया पिल्लू है, ये सब लोग क्या है, इन्वेस्टिगेशन के खिलाफ है। मैंने बोला मेरे खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन अंतुले ने बोलते हैं उसके पीछे बढ़ गए, बराबर है। तो ये जो है इसको हम लोग को देखना चाहिए। तो अभी हम लोग को हु इज टेररिस्ट, इस सवाल का जवाब मैं देता हूं कि हु इज टेररिस्ट पूछते हैं मेरे, तो मैंने बोला एवरी ब्राह्मण इज नॉट अ टेररिस्ट बट एवरी टेररिस्ट इज अ ब्राह्मण। तो ये मेरा फॉर्मूला, इसलिए हमारा जंग उसके साथ है। टाइम हो गया क्या कर्नल साहब? अच्छा ठीक है। तो मेरे एक आखिरी में आपको इतना ही बोलता हूँ कि ये हम लोग ने भाषण किया, इसका मतलब क्या है? ये हवा है, कुछ नहीं होता है भाषण, ऐसा तकरीर बहुत हो जाता है। इसको प्रैक्टिकल कदम हमको उठाने पड़ेंगे। हम लोग गाजा में जाके एड लेके गए, इसराइल वॉरशिप ने हम लोग को सराउंड किया, साई साहब और हम उस बोट पे थे, खरना साहब भी साथ में थे उधर। तो उसमें क्या था, हम क्यों गए? हम लोग इसीलिए गए कि ये जो दुनिया की सियासत चल रही है, 4S का जो स्ट्रेटेजी चल रही है, तो वो इसराइल और ये RSS इनका अलायंस है। और इसलिए अलायंस, RSS ने बम स्पोर्ट किए बहुत सारे, इसराइल उसको साथ दे रहा है, पीछे अमेरिका दे रहा है। तो हमने उस दिन मांग किए है, नंबर एक, ये राष्ट्रीय सेवक संघ जो है, रूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी, इसको पहले बैन करो, इनके अकाउंट सीज करो और इनको जेल में डालो। इंदिरा गांधी ने किया था, मेरे साथ 6 ऑफिसर को, कर्नल साहब को याद है कि नहीं पता है, 6 ऑफिसर ट्रेनिंग है, उनको आर्मी में से निकाला था क्योंकि RSS कनेक्शन है। नंबर दो, इसराइल से हमारा रिश्ता तोड़ दो। और नंबर तीन, अमेरिकन हुकूमत से हमारा वॉर ऑन टेररिज्म का, सिक्योरिटी का रिश्ता तोड़ दो। कोई जरूरत नहीं हथियार का, कोई जरूरत नहीं मिसाइल का, इस भारत के शास्त्रज्ञ के पास है। तो मैं आपसे एक विनंती करता हूं कि अभी आगे चल के क्या करना है। तो मुसलमानों ने, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लीड लो, आप माइनॉरिटी नहीं हो। इस महाराष्ट्र में 36% मराठा है और 15% मुसलमान है, फिर आप माइनॉरिटी कैसे हो गए? ये माइनॉरिटी कॉम्प्लेक्स से निकलना चाहिए, मुस्लिम लीडरशिप इधर खड़ी होनी चाहिए, यही हमारा प्रयास है, तभी एक अल्टरनेटिव उभर के आएगा। नहीं तो ये कितना भी चोरी करेंगे, जब तक मुसलमान इनके साथ है हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ भाषण कर सकते हैं। तो ये पहला पॉइंट है। नंबर दो है, जो बैरियर्स है हमारे बीच के, उसको तोड़ो। शिवाजी महाराज को समझो, ये बाल ठाकरे ने
शिवाजी महाराज का नाम क्यों लिया? तो लेबर मूवमेंट तो मराठी आदमी को बॉम्बे के बाहर इन्होंने भेजा। तो ये क्या है, हमारा बहुत बड़ा जंग होने वाला है। वो दिन खेड़ेकर साहब ने बोला इधर औरंगाबाद में, ये संभाजी नगर कुछ नया लाया है। अरे जब तुम्हारा दादू कोंडदेव निकाला, तुम शिवसेना के लोग वो दादू कोंडदेव के साथ आके, तुम राज ठाकरे उद्धव ठाकरे एक साथ आके वो दादू कोंडदेव के साथ रहा, तुम शिवसेना है क्या भट्ट सेना है? तो ये भट्ट सेना है, और उसको अभी मराठों उनसे नाराज हुआ है, इसलिए अभी संभाजी का नाम लेके इस औरंगाबाद में आ रहे हैं। तो ये चाल को हम चलने नहीं देंगे। संभाजी ब्रिगेड के लोगों को मारने का तुम्हारे खासदार ने ऐलान किया है, आया नहीं? अरे एक आदमी को हाथ में तो लगा दे, देखो तो उद्धव ठाकरे और तुम्हारे से तुम्हारा क्या हाल होगा, ये हम लोग को भी देखना है। तो हम लोग को भी ये लड़ाई लड़ना है। हम कोई बुजदिल लोग नहीं है। पहले वो दिन गए कि आप बोलेंगे किसी को कुछ और कुछ भी कर सकेंगे, ये नहीं होगा इसके आगे महाराष्ट्र में। और इसलिए भाइयों, आप और हमको हमारे दीवार तोड़ के एक साथ आने की जरूरत है। और इसलिए दूसरा पॉइंट जो है कि मुसलमान और हिंदू का, जो हिंदू बोलते हैं नहीं, बहुजन समाज है, तो और मुसलमान इस बहुजन समाज का एक पार्ट है। तो ये लड़ाई हमारी बहुजन समाज जिसमें मुस्लिम है और ब्राह्मणवाद के साथ है, ये चीज हमको ध्यान, आइडेंटिफाई और एनिमी, ये थर्ड आई में लिखा है आपका एनिमी कौन है। और इसलिए हम सब मिलके इसके आगे एक ही आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि बहुजन समाज हम लोग बनाना चाहिए एक संगठित रूप से। ये जो साजिश चल रही है अमेरिकन कैपिटलिज्म की, इसराइल की, आरएसएस की, आईएसआई की, लोगों में लेके जाओ और सही मायने में हम साथ में आके इन शैतानों को इस देश से बाहर भगाने का काम कैसे कर सकते हैं, ये देखेंगे, तभी इस तकरीर का कोई फायदा है।